बड़वानी जिले के निवाली के झंडा चौक पर स्थित शुभम ज्वेलर्स को निशाना बनाया गया। घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें देखा जा सकता है कि 5 के लगभग चोर दुकान में प्रवेश कर रहे हैं, जिसमें से एक चोर थैली में कुछ ले जाता दिख रहा है। वहीं दुकान के अंदर अलमारी भी तोड़ी गई और सामान बिखरा दिया। दुकान का मालिक हॉस्पिटल में एडमिट है, जिसके चलते फिलहाल पुलिस में कोई कंप्लेंट नहीं करवाई गई है। इसी के साथ गड़ी मोहल्ले के रहने वाले दिनेश भावरे ने थाने पर सूचना दी कि घर के बाहर खड़ी उनकी बाइक के साथ ही मोहल्ले में ही रहने वाले भारत भावरे के घर आए रिश्तेदार आज राजेश की मोटरसाइकिल भी घर के बाहर खड़ी थी, वो मोटरसाइकिल भी गायब है। कहाँ से गई गाड़ी? गाड़ी घर के आंगन में से। घर के आंगन में से? हाँ। लॉक करके खड़ी करी थी। रिपोर्ट दर्ज करवा दिया आपने? रिपोर्ट दर्ज करा दिया। कौन सी गाड़ी है? MP46 MR1087 डिलक्स गाड़ी। SDOP राजपुर पदम सिंह बघेल ने बताया कि ज्वेलर्स की दुकान में चोरी की घटना के साथ दो मोटरसाइकिल चोरी होने की सूचना मिली है। पुलिस ने चोरों की तलाश में एक टीम धार जिले के लिए रवाना कर दी है। 2022 के दरमियानी रात कस्बा निवाली में पुकरा सोनी के दुकान में शटर उसका कर चोरी करने की घटना हुई है और दो मोटरसाइकिल दिनेश भावरे और राजेश भावरे की मोटरसाइकिल चोरी गई है। ये छोटे धार जिले के हैं और टीम रवाना कर दी है, टीम गठित करके रवाना कर दी है, अपराध पंजीबद्ध करके अनुसंधान किया जा रहा है। अभी क्या है सर, गिरफ्तार से बाहर है चोर? अभी चोर गिरफ्तार से बाहर है, पार्टी रवाना हो गई। ऐसे में अब देखना होगा कि पुलिस कब तक आरोपियों को पकड़ने में कामयाब हो जाएगी। बड़वानी से संदीप कुशवाहा की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।